नमस्कार, मैं रवीना मिनस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते क्राइम से खबरें। मेडिकल में एडमिशन के नाम पर 36 लाख की ठगी। नागपुर इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय में एडमिशन देने के नाम पर 36 लाख रुपए ठगने वाले पर 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार गिट्टी खदान परिसर में फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित जोशी फरसान होटल में बुलाकर नरखेड़ निवासी विनोद अंबादास लोखंडे और उनके मित्र को जफरनगर निवासी सुमित सुशील तिवारी और भंडारा निवासी निखिल गिरिपुंजे मोहित सिंह व अन्य कई लोगों को नागपुर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने का भरोसा दिया था। इस पर विश्वास करते हुए दोनों आरोपियों के बुलाने पर नागपुर के मेडिकल कॉलेज परिसर पहुंचे, जहां पर एडमिशन को लेकर सारी चर्चा भी हुई। विनोद लोखंडे के पुत्र को MBBS नीट 2018 की प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर इंदिरा गांधी महाविद्यालय में अस्पताल नागपुर में एडमिशन देने की गारंटी दी थी। इसी दौरान DDID बनाने को कहा था। DDID बनाने के लिए कहते हुए कॉलेज में एडमिशन होने की बात की थी। नकली सूची तैयार की गई थी की बात कहते हुए एडमिशन हो जाने की बात की ओर से अलग अलग तारीखों में विनोद और उसके पुत्र से कुल 36 लाख रुपए लूट ले गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। ग्रेटर नोएडा में नालिब से मिले दो के शव। बुलंदशहर ग्रेटर नोएडा में दो युवकों की मौत का मामला सामने आया है। शहर और गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 5 दिन से लापता दो युवकों के शव नाले में मिलने से दोनों युवकों के साथ बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस ने युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों युवक 5 दिन पहले ही अपने दोस्त के यहाँ शादी में आए हुए थे। परिजनों ने दादरी कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पाकिस्तान में लू लगने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत। कराची पाकिस्तान में सिंध प्रांत में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर वार्षिक धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के दौरान लू लगने के कारण कम से कम 15 लोगों से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने इस आंकड़े की पुष्टि कर दी है। सवाई क्षेत्र के इंद्र प्रभारी सरवट शेख ने कहा कि लाल शाहबाज कलंदर तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा 15 से ज्यादा तक पहुंच चुका है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए